हमारा देश निरंतर तरक्की के नए आयामों को छू रहा है। हाल ही में भारत फ्रांस को पछाड़कर दुनिया के छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका श्रेय हम प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को देना चाहेंगे, जिसके बलबूते भारत ने इतनी तरक्की की है। एक आंकड़े के अनुसार भारत 2030 तक चीन को पीछे छोड़ देगा और साल 2050 में तरक्की के मामले में अमेरिका को भी पछाड़ देगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2050 तक भारत कितना बदल गया होगा। जी हाँ, साल 2050 तक भारत में पूरी दुनिया से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ लगभग खत्म हो जाएंगी। इसके बदले में सड़कों पर सिर्फ बिजली चालित वाहन ही देखने को मिले। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही हमें भारत में भी बुलेट ट्रेनें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सड़कों में सोलर पावर सिस्टम लगाए जाएंगे। साल 2050 तक भारत इंटरनेट की स्पीड और प्रयोगकर्ताओं के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हाल ही में भारत में सैमसंग ने सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। साल 2050 में हमें दुबई और हांगकांग की तरह बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। भारत रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका होगा और कुछ ही घंटों में पूरा घर तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा हमें ऐसी बाइकें देखने को मिलेंगी जो हमें किसी भी तरह की दुर्घटना से अपने आप बचा लेंगी। साल 2050 तक भारत एक महाशक्ति बन चुका होगा। जी हाँ, परमाणु हथियारों और अन्य सैन्य मामलों में भी भारत सभी देशों को पछाड़ चुका होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।